तरीके का गेम प्ले, इतना जबरदस्त तरीके का गेम प्ले कि मेरे दोस्त आज तक आप लोगों ने इस तरीके का गेम प्ले ना तो देखा होगा ना ही आप लोगों को देखने को मिला होगा। मतलब मेरे दोस्त आज के इस गेम प्ले में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं आपको बिल्कुल लाइव चलाकर ही दिखाऊंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर हम लोग इस गेम प्ले से कितने तादाद में पैसे को अर्न कर सकते हैं या कितना यहाँ पर लॉस कर सकते हैं, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने लाइव चलेगा। इसलिए मेरे दोस्त वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर आज की वीडियो आप लोग स्किप करके देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप से बहुत बड़ी गलती करोगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो इस बंदे की चालाकी, जहां पर इसने अपनी पत्ती को देखा, देखने के बाद पैक करके चला जाता है। इतने में मेरे दोस्त मुझे भी यहाँ पर दो बासों के पेड़ देखने का मौका मिलता है। जैसे ही मेरे दोस्त मैं दोनों बासों के पेड़ पे चाल करता हूँ तो यहाँ पर भाई साहब एक और बंदा चाल कर देता है और ये बंदा यहाँ पर सोचता है कि मैं चाल करूं या नहीं करूं, लेकिन मेरे दोस्त फिर से मेरी यहाँ पर चाल आती है, मैं फिर से चाल को करने लगता हूँ और यहाँ पर मैं यही सोचता हूँ कि यार कैसे भी बस शो का ऑप्शन आ जाए, मैं इसकी बंदे की पत्नी को शो करा दूं। लेकिन मेरे दोस्त जैसे मैं यहाँ पर यही सोचता हूँ तो इतने में देखता हूँ तो भाई साहब सामने वाले बंदे ने अपनी पत्तियों को ही पैक कर दिया, मतलब मुझे यहाँ पर शो कराने का मौका भी नहीं मिला। इतनी अच्छी तरीके से स्टार्टिंग में विनिंग कराया कि मुझे यहाँ पर ये लगने लगा कि शायद मैं इस गेम प्ले से अभी भी कितने तादाद में पैसों को विनिंग कर सकता हूँ। तो देखो मेरे दोस्त अब इस गेम प्ले में कि अब मुझे यहाँ पर कौन कौन सी पत्तियां देखने का मौका मिलेगा और आखिर मैं यहाँ पर कितने तादाद में पैसों को अर्न करूंगा या कितना लॉस करूंगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखना क्योंकि फिर से मेरे पास यहाँ पर दो ग्लाम के पेड़ आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पत्ती को पैक कर देता हूँ और इन लौंडों की पत्तियों को देखना स्टार्ट करता हूँ। तो ये बंदे भाई साहब एक दूसरे के ऊपर चाल पे चाल करना है, इस तरीके से चाल करना है कि मानो जैसे इनके पास कितनी खतरनाक पत्तियां हो। लेकिन मेरे दोस्त सामने वाले बंदा फिर से यहाँ पर अपनी पत्तियों को पैक कर जाता है, लेकिन सामने वाले बंदे की पत्तियों को शो नहीं कराता है। फिर से स्टार्ट होता है हमारा गेम प्ले और इस गेम प्ले में अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मुझे यहाँ पर जबरदस्त तरीके की पत्ती देखने का मौका मिल पाएगा या नहीं, क्या आज मैं यहाँ पर विनिंग कर पाऊंगा या लॉस कर पाऊंगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखते रहोगे कि मेरे दोस्त जैसे ही मैंने अपनी पत्तियों को देखा तो इस बार मुझे भाई साहब दहले का कलर दे दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि अब तो मैं यहाँ पर जरूर विनिंग करूंगा, लेकिन मेरे दोस्त क्या होगा इस गेम प्ले में ये तो गेम प्ले देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए मेरे दोस्त गेम प्ले अभी स्किप मत करना। जैसा से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भाई साहब हम दोनों बंदे चाल पे चाल कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब शो का ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप लोग पांच चालें हो नहीं जाती हैं जहाँ पर शो का ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही शो का ऑप्शन आता है और जैसे ही सामने वाले बंदे की पत्ती को शो कराता हूँ तो उसके पास भाई साहब इक्के का कलर निकलता है, मेरे पास यहाँ पर दहले का कलर निकलता है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर मात मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि शायद अब मैं यहाँ पर विनिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त फिर से ये गेम प्ले स्टार्ट होता है एक जबरदस्त अंदाजे के साथ। तो देखते हैं कि अब मुझे यहाँ पर क्या देखने का मौका मिलता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अब मुझे यहाँ पर इतनी बकवास पत्ती देखने का मौका मिलता है कि जहाँ पर अगर मैं चाल करूंगा तो मेरा यहाँ पर हारना ज्यादा तय होगा, जिसके कारण मैं यहाँ पर अपनी पत्तियों को पैक कर जाता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त इन लौंडों का गेम प्ले देखो कि ये लोग भी किस तरीके से अपनी पत्तियों को पैक कर करके जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मैं फिर से अपनी पत्तियों को देखने स्टार्ट करता हूँ और जैसे ही मेरे दोस्त मैं यहाँ पर ब्लांड पे ब्लांड वाला गेम प्ले स्टार्ट करता हूँ तो अब देखो कि अब मुझे यहाँ पर क्या देखने का मौका मिलेगा। मेरे दोस्त ध्यान से देखना, आप लोग देख सकते हो कि अब मुझे यहाँ पर एक पॉइंट की वजह से मात दे दी जाती है। तिक्की पंजा छक्का, अगर यहाँ पर चौका होता तो शायद मैं आज यहाँ पर अच्छी तरीके से अर्न कर जाता, ये आप लोग जरूर सोचते होंगे। लेकिन मेरे दोस्त इस गेम प्ले में किस टाइम क्या हो जाए और सामने वाले बंदे को किस टाइम एक खतरनाक पत्ती दे दी जाए या आपसे जबरदस्त पत्ती दे दी जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक ऑनलाइन गेम प्ले है। इस ऑनलाइन गेम प्ले में ना तो ये पता है कि यहाँ पर कौन बंदा रियल है, कौन फेक है, कौन कंप्यूटराइज है। इसलिए मेरे दोस्त गेम कोई सा भी हुआ, गेम जब तक गेम कहलाएगा जब तक आप लोग पैसों की लिमिट के साथ खेल रहे हो। क्योंकि मेरे दोस्त गेम किस लिए होता है, केवल मनोरंजन देने के लिए होता है, एंटरटेनमेंट देने के लिए होता है। लेकिन मेरे बहुत से भाई बंधु ऐसे ऑनलाइन गेम प्ले में लालच कर जाते हैं और वहां पर ये सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर भर भर के पैसे जरूर भी नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस गेम प्ले में दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस बार मुझे यहाँ पर 5-6-7 का एक जबरदस्त रन दे दिया जाता है। जहां पर मैं चाल करने लगता हूँ तो सामने वाला बंदा भाई साहब डबल चाल करने लगता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट सी होने लगती है, मैंने सोचा कहीं यार मेरा फिर से लॉस ना हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही शो का ऑप्शन आता है, मैं जैसे इस बंदे की पत्ती को शो कराता हूँ तो इसके पास केवल दो बेगमो के पेड़ निकलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ पर चाल पे चाल करता रहता और यहाँ पर मैं जितना ज्यादा पैसों की चाल करता तो यहाँ पर मेरा ही ज्यादा लॉस होता, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले बंदे को किसी टाइम भी कुछ भी दिया जा सकता है, क्योंकि इस गेम प्ले में ये पता नहीं है कि यहाँ पर कौन बंदा रियल है, कौन फेक है, कौन कंप्यूटराइज है। इसलिए मेरे दोस्त मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि इस तरीके के ऑनलाइन गेम प्ले देखने में जितने
साधारण लगते हैं ये उतने ही खतरनाक भी होते हैं, उतने ही जोखिम भरे भी होते हैं। इसलिए मेरे दोस्त अगर आप लोग इस तरीके के ऑनलाइन गेम प्ले खेलना चाहते हो तो प्लीज यार अपने रिस्क